वंदे मातरम। आज हम साबुन के ऊपर एक प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि साबुन का प्रभाव हमारे शरीर पर कैसा होता है। हमारे साथ हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलेंटियर है, आप अपना नाम बताइए और क्या करते हैं बताइए। जय गुरुदेव, मेरा नाम देवांशी है, कशूरनी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं आर्ट ऑफ लिविंग की उपाचार्य हूँ। ठीक है, तो देवांशी बेटे, हम आपके ऊपर इस साबुन का प्रयोग करेंगे। तरीका आपको पता है हम कैसे करते हैं, आपने सीखा हुआ है। जरा अपना हाथ सीधा करिए। अब हम देवांशी की ताकत देखेंगे कितनी है, एक उंगली से दबाएंगे। ये देखिए, एक उंगली से नहीं दबा, दो से दबाएंगे तो भी मजबूत लड़की है ये। अब हम पूरे हाथ से दबाएंगे तो इसका हाथ दब गया। ठीक है, अब आप ये एक साबुन उठाइए, बड़ा सुंदर सा एक साबुन हमारे पास है। इससे क्या प्रभाव हुआ है देखते हैं, इनकी एनर्जी पे, इनकी ताकत पे क्या असर हुआ ये देखिए। अब एक उंगली से दबा रहा हूं मैं, ये देखिए। अब आप सोचिए, जिस साबुन को हाथ में पकड़ने से इनकी पूरी ताकत चली गई, उसको आप रोज लगाएंगे तो आपकी क्या हालत होगी। यही कारण है कि जब महिलाएं लड़कियां स्नान घर में जाती हैं तो अंदर जाने से पहले उनके चेहरे पे थोड़ी चमक होती है, और जब वो बाहर निकलती हैं उनका चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है, एकदम चेहरा कुरूप हो जाता है। तो इसलिए सावधान रहे। अब प्रश्न ये होता है कि यदि ये साबुन प्रयोग नहीं करने हैं सुंदर सुंदर, तो कौन सा साबुन प्रयोग करें। हमारे पास ये नरोल साबुन है, देसी साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन है ये, और सस्ता भी है। इस साबुन का प्रयोग देखते हैं करके क्या होता है इसको हाथ में पकड़ने से। देवांशी बेटे, जरा इसको पकड़िए। अब देखते हैं देवांशी की ताकत पे क्या असर हुआ। एक उंगली से हमने इनके हाथ को दबा दिया था, अब दो उंगली से दबाया था तो मुश्किल से दबा था, अब पूरे हाथ से नहीं दब रहा है। आप इस प्रयोग को घर पे करके देखिए, हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें तो कोई चालाकी है। कोई बात नहीं, आप अपने घर पे करके देखिए। बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं नरोल साबुन क्या होता है। आप दुकान पे, करियाना स्टोर पे जाकर पूछिए, हमको देसी साबुन कपड़े धोने वाला चाहिए। इस साबुन को हाथ में पकड़िए, अगर ताकत बढ़ जाए तो इस साबुन को आप हाथ धोने के लिए और सर में लगाने के लिए प्रयोग करें। शरीर के ऊपर साबुन लगाना ठीक नहीं है, केवल उबटन का प्रयोग करें अपने शरीर पर लगाने के लिए, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। उबटन के कारण शरीर के विष भी बाहर निकलते हैं। यदि आप उबटन का फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपके लिए उबटन के फार्मूले के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। धन्यवाद, आपके लिए बहुत सी शुभकामनाएं, आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम हो। वंदे मातरम।